किसानी संघर्ष ने यह साबित करता भी किसान समुचे किसान ने, उहदे च मुहम्मदन भी किसान ने, उहदे च ईसाई भी किसान ने, उहदे च सिख भी किसान ने, उहदे च हिंदू भी किसान ने। यह गल साबित हो गई। अज लोग इस गल ते खड़ गए ने कि लोगों ना धर्म के नाँ ते वंडिया जा सकता, ना जातां दे नाँ ते वंडिया जा सकता। लोग अपने हितां लई लड़नगे ते लड़के। सर तुसीं जित प्राप्त अक्सर हुंदी है जदों आपां खड़े हुंदे हां। मैं तुहानूं पुछना चाहांगी कि सरकार किसानां दी नहीं सुन रही, चार महीने लगातार हो रहे उन्हां नूं बैठे होए नूं, कि सर अपनी गल जिहड़ी तुसीं रख रहे हो निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, उह तो सरकार मुड़ के आवेगी। जां तुसीं इह उम्मीद जगा रहे हो कि आउण वाली जिहड़ी सरकार है, आपां कह नहीं सकदे कि इस बंगाल दे विच वी वोटा पै रही ने, उत्थे बीजेपी दा बनूगा या कांग्रेस सरकार आऊगी, तो लगता है कि जो आने वाली सरकार सत्ता जो चेंज हुई, बीजेपी कुर्सी तो उतरी या आने वाली सरकार है, वो तुहाडी गल्लां बातां इस समय गौर कर रही होगी, सुनेगी कि वह इंप्लीमेंट लै पे आएगी तुहाडी जिहड़े सरकारी अदारे ने उन्हां नूं प्राइवेट हत्थां दे विच नहीं देगी, तुसीं मन सकदे हो गल्लां? यह गल सच है भी जदों लोग लड़दे ने तां लोग जितदे ने। लोक लहर जदों जागी, जदों लोक लहर पैदा हुंदी है, वह लोक लहर जितती है और हर हालत दे विच जितती है। लोगों ने अंग्रेजों नूं भजाया, लोगों ने राजिआं नूं भजाया, राजे राणियां दी कुख च जमणे बंद करते, अज राजे लोक बणाउंदे ने। सर मैं तुहानूं पुछना चाहांगी कि यह जो तुहाडी संघर्ष वाली लड़ाई है किन्ना देर चलती रहेगी? ये संघर्ष की लड़ाई की कोई समा सीमा नहीं है, क्योंकि मजदूर देश दी 10 ट्रेड यूनियन देश दे विच 20 देशव्यापी हड़ताल कर चुकिया ने। जे बैंकां वालिआं नूं लईए तां उह 48 हड़ताल कर चुकिया ने, क्योंकि 1991 तो बाद है जिहड़ी प्राइवेटाइजेशन की उदारीकरण ग्लोबलाइजेशन दीआं नीतियां ने जिहड़ियां सरकार ने अपनाईआं ने, ते उस तो लगातार लोग लड़ रहे ने। ते जदों लोग लड़दे ने तां इहदे च दो ते दो चार नहीं हुंदे, फिर पता नहीं किन्ना कु कुछ हो जांदा है। ते सरकार नूं इह आस नहीं सी वी किसानी मोर्चा एडा वड्डा मोर्चा होजू, दुनिया दा इतिहासक मोर्चा होजू। अज उत्थे 300 तों वध शहादतां हो चुकियां ने, पर लोग लड़ रहे ने। जदों पंजाब नूं कहिंदे सी इह नछड़ियां दा, अज उह पंजाब नछड़ियां दा नहीं, पंजाब दी जवानी बरूहां ते जा के बुक रही है, ते उह ललकार रही है सरकार नूं। जदों साडे मौतां हुंदियां सी पिंडां दे विच, कोई आत्म हत्या करता ही जां किसे डोज दे नाल ओवरडोज नाल हुंदी सी, तां लोकां च अफसोस पैदा हुंदा सी, निराशता हुंदी सी। अज जे कोई डेड बॉडी आउंदी है तां जोश पैदा हुंदा, लोक उत्थों होर उत्थे उहदे लई जांदे ने। ते सानूं पूर्ण यकीन है कि लोक लड़नगे, लोक उठणगे, लोक जागणगे, इहनां नूं भजाउणगे। दावा है कि लोग उठणगे, जागणगे ते जितणगे भी। साडे नाल होर एक शख्सियत जुड़े हन, सर तुसीं की कहना चाहोगे सरकार नूं, की कहना चाहोगे? असीं केंद्र दी सरकार नूं पिछले लंबे समय तों 1991 तों ही लगभग केंद्र दी सरकार भावें किसी भी रंग दी होवे, किसी भी रूप दी होवे, किसी भी पार्टी दी होवे, उहनां नूं कहिंदे रहे हां कि जिहड़ियां नीतियां मजदूरां दे किसानां दे मेहनतकश लोकां दे विरुद्ध ने, ये नीतियां वापस लैनिया चाहीदियां ने, ये नीतियां लागू नहीं होनी चाहीदियां। परंतु केंद्र दी सरकार, मोदी दी सरकार तां बड़ी तेजी नाल जिहड़ियां कारपोरेट घराणियां दे पक्ष विच भुगत रहियां ने, ते जिहड़े लोकां दे आहू लाए जा रहे आ, भावें किसानां दी गल करिए, मजदूरां दी गल करिए, मुलाजमां दी गल करिए, हर पासे लोकां दे उत्ते नंगी तलवार आ जिहड़ी कच्चे धागे नाल बन्नी हुई उह लटक रही आ। इस लई लोक जिहड़े आ, लोकां दे अंदर बड़ा भारी गुस्सा पाया जा रिहा, ये सब कुछ लोगों के विरुद्ध ने, क्योंकि 70 सालों तो लगातार लोगों ने लड़ाइया लड़ के, लोगों ने मेहनत करके अपना सरकार नूं टैक्स दे के रेलवे नूं बनाया, LIC बनाई, बैंकों नूं बनाया, जिहड़े मतलब FCI बनी, इसे तरह दूजे जिहड़े अदारे ने। तुसीं कह रहे हो सर कि ये जिहड़ियां चीज़ां ने सरकारी अदारे ने, ये लोक अदारे ने, क्योंकि लोगों ने अपनी मेहनत के नाल इन्हां नूं सिरजिया, मेहनत के नाल इन्हां नूं बनाया, मेहनत के नाल इन्हां नूं खड़ा किया, ते अज सरकार अपनी मर्जी के नाल इन्हां नूं प्राइवेट हत्थां दे नाल दे रही, इस करके तुसीं गुस्सा कर रहे हो। कि तुहानूं लगता कि तुहाडी आवाज़ जिहड़ी सरकार तक पहुँचेगी, सरकार के कन्न तक यह आवाज़ जाएगी? असीं जिहड़ा तुहाडा सोशल मीडिया खास करके इस दा धन्नवाद करदे हां, क्योंकि अज लगातार जिहड़े किसान ने, मजदूर ने, वह लड़ रहे हैं, तो जिहड़ा सोशल मीडिया यही आवाज़ चक रहा, तो जिहड़ी अपने सरकारी जिहड़ा मीडिया वा, गोदी मीडिया जिहनूं आपां कहिंदे आ, गोदी मीडिया हमेशा ही
सरकार दे पक्ष दीयां गल्लां करके लोगों नूं भरमा रहा, लोगों नूं गुमराह कर रहा। इस करके जो सोशल मीडिया ये लोगों की आवाज़ नूं लैके जा रहा, असीं इसका धन्नवाद करते हैं। असीं गलबात करते रहेंगे सच के आधार पर, तुहानूं ब्रेकिंग न्यूज़ हमेशा दिखाता रहता है। इन्हां दा भी गुस्सा है कि हमेशा जिहड़ी प्राइवेटाइजेशन है मोदी सरकार उसनूं हमेशा पहल दिंदी है, उसनूं हमेशा अगे रखती है। सच्ची खबरां जानने के लिए बने रहो ब्रेकिंग न्यूज़ पंजाब के नाल। कैमरा परसन बादल के नाल एनवी माजरा।